नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो के जरिए बताने जा रही हूँ हर सुबह तुलसी को पानी देने के समय बोल दे ये दो अक्षर का ये मंत्र, घर पर होगी पैसों की बारिश। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी का बेहद ही ज़्यादा महत्व है। यही कारण है कि हर पूजा पाठ में तुलसी की आवश्यकता पड़ती है। शास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म में तुलसी की देवी की तरह पूजा की जाती है। इन्हें लक्ष्मी का दूसरा रूप माना जाता है, इसलिए खासकर हर घर में चाहे कोई और पौधा हो या ना हो, लेकिन तुलसी का पौधा अवश्य लगा होना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आज ही लगाएं। इससे आपके जीवन में अनेक प्रकार की जो भी बाधाएं आ रही है उनसे आपको मुक्ति मिलेगी और आपके घर में संपन्नता बनी रहेगी। घर में हरा भरा तुलसी का पौधा परिवार की पवित्रता समृद्धि का प्रतीक होता है। कहते हैं जिस घर में इसकी नियम पूर्वक पूजा होती है उस घर में देवी देवताओं की कृपा हमेशा बरसती रहती है, वहाँ कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। वही तुलसी पत्तों का प्रयोग भी औषधियों के लिए किया जाता है। धर्म ग्रंथों में तुलसी के अनेकों ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको करने से सभी बाधाएं दूर होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि धार्मिक काम में पूजी जाने वाली तुलसी एक बहुत ही फायदेमंद औषधि भी है। आदिकाल से ही तुलसी का प्रयोग बहुत सी आयुर्वेदिक दवाइयों में भी किया जाता है। अपने धार्मिक महत्व के कारण तुलसी का पौधा हर हिंदू परिवार में रखा जाता है। इसके पीछे एक कहावत भी है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वह पूजनीय स्थान बन जाता है और वहाँ कोई बीमारी या मृत्यु का देवता जल्दी से नहीं आ पाता। आज हम आपको तुलसी से जुड़े कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिनको करके आप अपने घर में सुख समृद्धि और संपन्नता का वास बनाए रख सकते हैं। अगर आप किसी भी कार्य में सफलता पाना चाहते हैं तो तुलसी की जड़ को विधि पूर्वक यानी तुलसी की जड़ को निमंत्रण देके आप मंदिर में से घर पर ले आएं। इसके बाद आप उस तुलसी की जड़ को घर पहुंचकर गंगा जल से धो लें, उसके बाद इसकी पूजा करें और पूजा खत्म होने के बाद आप पूजन के बाद इस जड़ को दाएं हाथ पर पीले कपड़े में लपेटकर बांध लें। ध्यान रहे, अगर आप इस जड़ की पूजा करते समय किसी तुलसी मंत्र का जप करेंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह एक तांत्रिक उपाय है, इसे आपको किसी से छुपाकर ही करना सबसे ज्यादा उचित रहेगा, यानी कि अटोक करना होगा। इसे करने पर आपको धन संबंधी कार्यों में विशेष लाभ प्राप्त होगा। तुलसी पौधे को जल चढ़ाते हुए एवं इस जड़ को बांधते समय आपको इस मंत्र को बोलने से काफी लाभ प्राप्त होगा। यह मंत्र समृद्धि का वरदान है। समृद्धि से 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। रोग शोक बीमारी व्याधि आदि से छुटकारा मिलता है। ये है वो मंत्र ओम ओम। इसे आप हर रोज सुबह जल देते समय बोलेंगे और जिस समय आप ये अचूक उपाय करते हैं तो ये मंत्र अवश्य बोलें। कहते हैं कि अगर आपको कभी अचानक धन हानि होने लग जाए या स्वास्थ्य खराब हो जाए तो किसी भी उपाय को अगर आप करना नहीं समझ पाते हैं तो आप अवश्य तुलसी जी की पूजा करें और उनसे पूजा अर्चना करके आप अपनी समस्या बताएं तो आपकी जो भी समस्या है उसका छुटकारा आपको अवश्य प्राप्त होगा। प्यारे दोस्तों, किसी की बुरी नज़र लग जाए तो तुलसी के 7 पत्ते और 7 काली मिर्च मुट्ठी में लें और फिर नज़र लगे हुए व्यक्ति को लेटा दें और मुट्ठी बांध करके सिर से पैर तक 21 बार ओम ओम मंत्र बोलकर वार लें। इसके बाद पीड़ित व्यक्ति को काली मिर्च चबाने को दें और तुलसी के पत्तों को मसल कर निगलने को दें। ऐसा करने से उसकी सारी विपत्तियां खत्म हो जाएगी। उम्मीद करूंगी प्यारे दोस्तों, आप इन उपायों को अपना के अपने परिवार को और खुद को हमेशा खुश रखेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।